अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 4, ये न्यू बुक है और ये ओल्ड बुक है। बहुत सारे स्कूल्स में अभी भी ये वाली बुक पढ़ाई जा रही है, लेकिन कुछ स्कूल्स में ये न्यू एडिशन लगा दिया गया है। तो जो न्यू बुक्स आई हैं उनके बहुत सारे चैप्टर्स में कुछ चेंजेस भी हुई हैं, तो आज हम उन चेंजेस को सिर्फ सॉल्व करेंगे। जैसे ये प्री रीडिंग क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करेंगे। इसके अलावा एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन जी है, इसे सॉल्व करेंगे, और एक्सरसाइज सी को सॉल्व करेंगे। इनके अलावा जो तमाम क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइजेस हैं वो सेम वही हैं जो ओल्ड बुक में है, और वो मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। आपको ग्रेड 4 के प्लेलिस्ट में इस पोएम की इंग्लिश विद उर्दू ट्रांसलेशन और क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइजेस सब कुछ मिल जाएगा। वर्ड्स मीनिंग नोट करते हैं। यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सबके साथ शेयर करें, और लाइक देने में प्लीज़ कंजूसी न किया करें। और एक और बात ये कहनी थी कि रूम में फ़ैन चल रहा होता है, उसकी थोड़ी सी नॉइज़ आती है इसके अंदर वीडियो में, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि गर्मी में वीडियो नहीं बनाई जाती। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पोएम फ्रॉम अ रेलवे कैरेज, रेल के एक डिब्बे से। इस पोएम में पोइट ने बताया है कि जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो ट्रेन के डिब्बे में बैठे हुए जब आप खिड़की से बाहर देखते हैं तो वो बहुत खूबसूरत नज़ारे होते हैं, लेकिन वो तमाम नज़ारे पलक झपकते गुजरते चले जाते हैं। तमाम चीज़ें आपको भागती हुई दौड़ती हुई महसूस होती हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफ़र होता है। जिसने ट्रेन में सफ़र किया है वो समझ सकता है कि ट्रेन का जो जर्नी है और खिड़की में बैठ के बाहर के नज़ारे करना कितना इंटरेस्टिंग और चार्मिंग होता है। तो आइए वर्ड्स मीनिंग्स नोट करते हैं। साइट्स, सीइंग व्यूज, मुकामात, नज़ारे, फेरीज, सुपर नेचुरल क्रिएचर्स यानी परियां, विचेस, मैजिक पावर वेमेन, फीमेल मैजिशंस, जादूगरनियां, हेजिस, रो ऑफ श्रब्स, बाड़े, डचेस, नैरो चैनल्स डग एट द साइड ऑफ अ रोड और फील्ड To hold or carry away water, या फिर trenches, या फिर waterways, गढ़े, खाइयाँ वगैरह, troops, groups of soldiers, फौजियों के दस्ते, battle, fight, war, लड़ाई, जंग, charging, rushing forward, तेज़ी से आगे बढ़ना, meadows, grassy lands, या grassy fields, सब्ज़ाज़ार, चरागाहें, driving rain, rain falling very heavily, मूसलाधार बारिश, lumping, moving awkwardly, बोझल कदमों से चलना, scramble, move quickly, तेज़ी से आगे बढ़ना, stringing the daisies, making chains of small flowers called daisies, गुलदाउदी के फूलों की माला बनाना, या फिर गुलदाउदी के फूलों की कतारें, wink, twinkle, blink, स्पार्कल, या फिर क्लोज एंड ओपन वन आई क्विकली टू इंडिकेट समथिंग, आंख झपकना या आंख से इशारा करना, क्लैम्बर, क्लाइम ऑकवर्डली, मुश्किल से चढ़ाई चढ़ना, ब्रैम्बल, एनी बुश विद शार्प थॉर्न्स, या फिर गैदर ब्लैकबेरीज, झाड़ियों पर लगे हुए जंगली बेर इकट्ठे करना, गेजेस, लुक, घूरना, ग्लिम्स, मोमेंट्री और पार्शियल व्यू, या फिर क्विक लुक, हल्की सी झलक। अब सॉल्व करेंगे प्री रीडिंग क्वेश्चन। हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय ट्रेन? हैव यू हर्ड अबाउट अदर पीपल्स एक्सपीरियंस ऑफ अ ट्रेन जर्नी? यूज टू एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब अ जर्नी बाय ट्रेन। क्या आपने रेलगाड़ी से कभी सफ़र किया है? क्या आपने दूसरे लोगों से उनके रेलगाड़ी के सफ़र के तजर्बे के बारे में सुना है? अपने रेलगाड़ी के सफ़र के बारे में बताने के लिए आपने दो एडजेक्टिव्स यानी इसम सिफ्त का भी इस्तेमाल करना है। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। माई ट्रेन जर्नी वॉज फास्ट एंड प्लेजेंट। बस आपने इतना सा लिखना है। प्लेजेंट और फास्ट की जगह आप और एडजेक्टिव्स भी लिख सकते हैं, जैसे अम्यूजिंग, ये इंजॉयबल, डिलाइटफुल, अम्यूजिंग, चार्मिंग, एंटरटेनिंग वगैरह। यानी आपने बताना है कि मेरा रेलगाड़ी का सफ़र बहुत पुरलुत्फ़ था, बहुत तेज़ था। एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर जी पेज 62 पर है। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोइम?
राइट इट इन सिंपल लैंग्वेज। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी आपने इस नज़म का मरकजी ख्याल लिखना है। द पोइट कंपेयर्स द ट्रेन जर्नी टू द जर्नी ऑफ लाइफ जस्ट एज वी सी पीपल एंड प्लेसेस फॉर अ मोमेंट फ्रॉम अ ट्रेन विंडो वी एक्सपीरियंस डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ फॉर अ शॉर्ट टाइम पीपल कम एंड गो डिफरेंट प्लेसेस कम एंड गो लाइफ goes on just as the train goes on। यानी इसका मतलब है कि शायर गाड़ी के सफ़र को ज़िंदगी के सफ़र से कंपेयर करता है, तशबीह देता है। जैसे हम रेलगाड़ी की खिड़की से एक लम्हे के लिए बाहर लोगों को और जगहों को देखते हैं, इसी तरह हम ज़िंदगी में थोड़े थोड़े वक्त के लिए मुख्तलिफ चीज़ों के तजर्बे से गुज़रते हैं। लोग आते हैं जाते हैं, मुख्तलिफ मकामात आते जाते हैं, ज़िंदगी चलती रहती है बिल्कुल वैसे जैसे रेलगाड़ी चलती रहती है। अब हम एक्सरसाइज सी का पार्ट वन सॉल्व करते हैं। बाकी तमाम एक्सरसाइजेज जो हैं वो सेम वही हैं जो ओल्ड बुक में है और उसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। प्रोनाउंस यानी इस्माए ज़मीर, इस्म ज़मीर क्या होता है जो हम किसी जगह या चीज़ या नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं वो अल्फाज इसम ज़मीर कहलाते हैं। द वर्ड्स यूज इंस्टेड ऑफ नाउंस। अंडरलाइन ऑल द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में हमने प्रोनाउंस को अंडरलाइन करना है। बासित एंड मरियम वर सिबलिंग्स। वन डे दे रिटर्न फ्रॉम स्कूल। सेंटेंस के पहले हिस्से में बताया है कि बासित और मरियम बहन भाई हैं। दूसरे हिस्से में बताया है कि एक दिन वो स्कूल से वापस आ रहे थे। तो बासित और मरियम हम बार बार नहीं रिपीट करेंगे बल्कि इनकी जगह लिखेंगे कि वो वापस आ रहे थे। तो यहाँ पे दे लिख दिया और ये प्रोनाउन है। दे वर हंग्री, यहाँ पर दे प्रोनाउन है। एंड दे वांटेड टू ईट समथिंग, यहाँ भी दे को अंडरलाइन करेंगे। इन द किचन दे सॉ कैट, दे को अंडरलाइन कर लें क्योंकि ये प्रोनाउन है। इट वॉज ड्रिंकिंग द मिल्क मदर हैड कैप्ड फॉर देम। अब यहाँ पर कैट के लिए इट इस्तेमाल हुआ है और यहाँ इन सब के लिए देम इस्तेमाल हुआ है, इसे अंडरलाइन करें। बासित रैन आउट, ही वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ कैट्स, यहाँ पर बासित की जगह ही का इस्तेमाल हुआ है। मरियम वॉज अ ब्रेव गर्ल, शी वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ एनी थिंग, यहाँ पर शी जो है वो प्रोनाउन है और यहाँ एनी थिंग भी प्रोनाउन है। शी शूड द कैट अवे, इट रैन आउट, शी को अंडरलाइन करें और यहाँ पे इट को। बासित सॉ द कैट रनिंग आउट, ही केम बैक इन टू द किचन, ही को अंडरलाइन कर लें। ही प्रेस्ड मरियम फॉर हर करेज, यहाँ पर आप ही को और हर को अंडरलाइन करें। मरियम थैंक्ड हिम, मरियम ने उसका शुक्रिया अदा किया उसका। तो हर और हिम भी प्रोनाउंस हैं।